सो हे व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइज स्वागत है आप सभी का फिर से एक गाइस नए ब्लॉग में। एंड डूड, आज है दिवाली, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बॉस। एंड गाइज, आप लोग आज दम से विस्फोट करना, क्योंकि मुझे भी यार क्रैकर को विस्फोट करना बहुत ही पसंद है। तो गाइज, आज शाम की टाइम काफ़ी दमदार होने वाली है। एंड देन डायरेक्टली मैं आपको आज लेके चलूँगा यहाँ के क्रैकर मार्केट में, जहाँ पे कि सारे की फटाके फुजड़ी वगैरह कुछ स्टोर करके रखा है। एंड गवर्नमेंट ब्लॉग आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को आके सब्सक्राइब कर लेना डूड, क्योंकि अपने भाई का चैनल है। एंड देन अभी डायरेक्टली बेसिकली ये चल रहा है अभी मार्केट यहाँ का। एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का, बहुत सारे कस्टमर आए। और यहाँ पर देखो आप, मतलब पूरे में यार कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। देखो यार, तो मैं जब से फोल्ड कर रहा हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा यार ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि कपड़े यार इतने सारे फोल्डिंग के लिए कपड़े इनको फोल्ड करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है यार इनको फोल्ड करते करते। इन्हीं में बिजी है अभी सारा दिन, क्योंकि आज फेस्टिवल है, आज है दिवाली, तो काफ़ी कस्टमर रीसिंग हो रही है और इन कस्टमर को ही हम लोगों को भेज देता है बेसिकली। तो उन पे जाना फोकस है अभी, इनका जल्दी से इनका पहले फोल्ड वगैरह करते हैं, फिर आपसे इंटरेक्ट करते हैं। चलो चलते हैं। तो गाइस, शानदार अभी निवाड़ी का मार्केट चल रहा है। वैसे मिठाई की शॉप चल रही है एंड मुझे लेने जाना है अभी। वाटर टूट तो यार अभी है शॉप पर। एंड गाइस, आज मार्केट काफी शानदार है, मैंने आपको भी दिखाया था, जस्ट चारों तरफ सभी तरफ पीपल ही पीपल है यार। तो गाइस चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्रैकर मार्केट का शानदार सीन, चलो चलते हैं। तो गाइज बेसिकली अभी क्रैकर मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला यार, मतलब अभी पूजा पाठ में भी दे हुए हैं एंड घर की पूजा करने के बाद जस्ट अभी यहाँ पर आए और यहाँ की पूजा कर रहे हैं। और ये देखो आप, ये चल रही है दिवाली सेलिब्रेशन। तो चारों तरफ जोरों से दिवाली चल रही है। एंड अभी शॉप की आरती करने के लिए आए थे, तो ये सारा कुछ शॉप का धीरे धीरे से मैनेजमेंट हो रहा है। अभी पूरी आरती का सामान बाहर आ गया, बाहर निकालना है, बाहर शॉप की आरती करते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे कुछ है, बची है शॉप में कि नहीं बची, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी, शॉप है वहाँ पर कि नहीं है, 9:30 होने वाले हैं। तो जल्दी से शॉप की आरती करते हैं फिर आपसे इंटेक्ट करते हैं बॉस। तो गाइस मैं वहाँ पर आया था जहाँ पे क्रैकर मार्केट लगा हुआ था, बट यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, यानी 10 बज गए हैं भाई साहब, पूरा का पूरा मार्केट खाली हो गया है। और जो यहाँ पे फटाके की शॉप थी वो लोग भी यार शॉप बंद करके चले भी गए। यहाँ से स्टार्टिंग थी पूरे मार्केट की। और ये देखिए आप, शॉप पर शॉप कम से कम 50 दुकानें लगी थी यार यहाँ पे ओनली फटाके की। निवाड़ी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है यार इन चीज़ों में। तो गाइस बेसिकली मैंने कहा था आपसे कि क्रैकर मार्केट लेके चलेंगे, तो हम आए थे अपनी जानकारी के साथ, बट यार पूरी की पूरी शॉप ही क्लोज़ हो गई यहाँ पर, काफ़ी लेट हो गए थे। मेरा प्लान था यहाँ पे आने का 8 बजे, लेकिन जो सोचते हैं वो होता कहाँ यार लाइफ में। यहाँ पे एक शॉप ओपन है बट हम लोगों ने पटाखे ऑलरेडी परचेस कर लिए, तो यहाँ पे कुछ परचेस करने का तो रोल बनेगा नहीं अभी।
दिखाते हैं आपको। ओनली 100 बची है ओपन। फुंजड़ी, फटाके और भी बहुत सारे आइटम 50 रुपये का सी दाम। एक नंबर चीज है भाई साहब, एक नंबर। हाँ बस, हाँ फिर आ रहे आराम से। हाँ बॉस, ये विस्फोट हो जाते कई बार। ओ बॉस, ओहो, यहाँ पे पांड्या जी कर रहे हैं अपने क्रैकर विस्फोट। कहाँ से निकाल रहे हो? तिजोरी कहाँ है तुम्हारी? ये देखो उनकी, ये तिजोरी। तो अभी अपनी कॉलोनी में आ गए हैं वापस और देखते हैं आगे का सीन बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए आराम से। वाओ, पांड्या जी का अनार। ओ जब यार, ये तो बहुत तगड़ा चला यार भाई साहब। यार पता नहीं हो क्या है, लग के भाग भाग। ओ भाई साहब, ये खतरनाक चीज है यार। एक बात है, ओ भाई साहब। तो गाइस बच्चों की ये कंटिन्यू मस्ती चलती ही रहेगी एंड अभी मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 भागो भागो भागो। हाँ लो, बस हो गया पोस। दूर से बस। ए भाई साहब, ये चौथा गैरी में ही अटक गया ये तुम्हारा। ये चलता है देख ना, थोड़ी देर में फिर बोल आएगा। ओ भाई साहब, फुट फुट गजब गजब। लाइटिंग देखो कितनी क्लासिक निकल रही है उसमें। इंडियन टाइप का है। दो चीजें मस्त लगी इसमें, एक वो पहला वाला एक चीज भाई। यहाँ पे फटने वाला एक नाल। क्या कर रहा तुम? ओ बॉस, एक नंबर। लाइटिंग एक नंबर चीज है। दो तो अच्छी लगी है, एक वो पहला वाला। और लाइटिंग एक नंबर लाइटिंग आ रही हो रही है बिल्डिंग वाली। हे गाइस, तो यार आप मांगे अपनी स्वीट में गाइस एंड सारी दिवाली हो गई है और काफ़ी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी बच्चों ने बाहर। गाइस मैं जब छोटा था ना तो मतलब सारी रात हम दो तीन बजे तक पटाखे घालते रहते थे एंड क्रैकर हमारे पास इतने सारे होते थे। चाचा जी अलग पैकेट लाते थे एंड मैं भी एक परचेज करके लाता था। माँ साहब मुझे एक अलग से पैकेट खरीदने के लिए पैसे देती थी, तो सभी लोगों से पैसे मिलते थे मुझे फटाके खरीदने के लिए। आज के ब्लॉग में गाइस कुछ इतना ही एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना एंड चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।